हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं आई हूँ कोरियन कैफे में, जो दिमापुर में हमारे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर पर पड़ते हैं। यहाँ से हमारे घर से यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं। तो दोस्तों, ये है कोरियन कैफे, अंकल कोरियन कैफे। मैंने कभी कोरियन फूड ट्राई नहीं किया है, तो बड़े मुद्दत के बाद, बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला है कोरियन कैफे में कोरियन फूड का स्वाद चखने के लिए। तो दोस्तों, मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो KUC जो रेस्टोरेंट है, उनके जो ओनर है मिस्टर एंड्रयू पार्क, वो एक्चुअली साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं, वो वहाँ के। तो दोस्तों, ये है कोरियन अंकल कैफे के मेनू। तो आप लोग को बता देती हूँ मेनू में क्या क्या मिलते हैं। कैफे के अंदर के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं, ये कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा है। अगर आप लोग को समझ में आता है तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो मैं ज़्यादा नहीं खा सकूँगी, तो मैंने आज ऑर्डर किया है फ्राइड चिकन और बिबिम्बाप, आई थिंक बिबिम्बाप है। तो ये है आज के मेनू में। तो दोस्तों, मैंने ऑर्डर किया है बिबिम्बाप और फ्राइड चिकन और कोक, जो मुझे बहुत पसंद है। तो कोरियन रेस्टोरेंट में आकर जो चॉपस्टिक के जगह अगर स्पून चलाए, तो आप लोग समझदार है, समझ जाइए कि मुझे नहीं आता है चॉपस्टिक से काम। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया फ्रॉम सिंस लास्ट 2 वीक्स, बट मैं फेल हो गया चॉपस्टिक से खाने के लिए। तो आप लोग देखिए, अभी मैं खाकर बताती हूँ। तरह से ऐसे मिलाकर, जो कि है अंडे, ये वेज की वेज है, ये इसमें अंडे है और कैबेज है जो स्लाइस किए थे और सीवीड है, तो इसको मिलाकर, शायद इसमें सिसमी ऑयल भी मिलाया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज पहली बार खा रही हूँ, तो बहुत टेस्टी है, यम्मी है। कोरियन लोग इतने चाव से खाते हैं कि देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन वैसे आज मैं ट्राई कर रही हूँ तो बहुत टेस्टी है। चलो फ्राइड चिकन भी खाकर देखते हैं यहाँ के फ्राइड चिकन कैसे है खाने में। मुझे कहता हूँ दोस्तों, नाउडेज पॉप आइडल के बहुत फैन हो गए हैं, इसलिए कोरियन खाना खाना, कोरियन के जैसे कपड़े पहनना, कोरियन के जैसे ड्रेसअप करना बहुत पसंद है। तो मुझे पता है बहुत सारे यहाँ के यंगस्टर जो के पॉप आइडल के फैन हैं, एस्पेशली BTS के पॉप आइडल यहाँ पे उपस्थित है इस कैफे में। जाते जाते मैं आप सबको उन लोगों के दर्शन कराऊँगी। बहुत ज्यादा यम्मी है। आप लोग भी यही यहाँ कभी आइए और इस खाने का लुत्फ उठाइए, बहुत टेस्टी है। फ्राइड चिकन और कोक दोनों का कॉम्बिनेशन एक्सेलेंट है।
यहाँ आएंगे तो आप लोग यहाँ से कैफ़े के जो फूड है, जो कोरियन के जो कल्चर है, आप लोग को यहाँ पे सब कुछ जो कोरिया का जैसे आप लोग को वो फील मिले, वाइब मिलेगा। जो यहाँ के जो कोरियन के जो स्पाइसेस है वो कोरिया से मंगाए जाते हैं। जितने भी केपॉप आइडल के जो फैंस हैं, बीटीएस के फैन हैं, मैं आप सबको यहाँ कैफे में बीटीएस के मेंबर आए हुए हैं तो मैं आप सबको जाते जाते आप सबको बीटीएस के फैन जो मेंबर्स हैं उन सबको मिलाते हुए जाऊंगी। वैसे मुझे भी वैसे आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो जेनरेशन है, जो यूथ है, वो लोग ज़्यादातर केपॉप आइडल के ज़्यादा फैंस है। आजकल के बच्चे लोग हैं, वो लोग के फेवरेट हैं बीटीएस। तो वैसे मेरे उम्र के लिए, हम लोग का उम्र तो अभी तो तीर्थ यात्रा का टाइम हो गया मतलब मैं आप सबको बता दूं, मैं भी बीटीएस का बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो है बीटीएस। तो आप सबको भी पसंद होगा बीटीएस। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है बीटीएस, इसलिए मैं ये कोरियन अंकल कैफे के एक्सप्लोर करने आई थी। वैसे मैं हर सप्ताह आप लोग को नागालैंड के अच्छे से अच्छे कैफे में ले जाकर आप सबको एक्सप्लोर करके बताती हूँ वहाँ के। मैं कभी भी कोरियन फूड मैंने कभी ट्राई नहीं खाया, और ज़्यादातर वैसे हैवी नहीं खा सकती, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा हैवी खा लिया तो मैं अगले हफ्ते में आप लोग को मैं इंसान से ज़्यादा मैं भैंस ज़्यादा लगूंगी। तो आज का व्लॉग समाप्त होने वाला है। उससे पहले मैं आप सबको यहाँ के जो कैफे के अंदर के नज़ारे हैं आप सबको मैं दिखाती हूँ। ऊपर से मैं आज आप सब से जो मैंने प्रॉमिस किया था, जो बीटीएस के मेंबर से मिलाऊंगी तो वो कसम तोड़ने का टाइम आ गया। वैसे मैंने पूरा खा लिया है, और कुछ ट्राई करना चाहती थी जो मैंने बहुत सुना था इस कैफ़े के बारे में। वाकई बहुत अच्छे हैं कैफे, बहुत अच्छे खाने भी बहुत साफ़ सुथरे हैं, और यहाँ का सर्विसिंग भी बहुत अच्छी। तो ये है अंदर के जो कैफ़े के अंदर के नज़ारे, सच में बहुत खूबसूरत है। और वैसे मैंने आप सबको बताया था कि मैं आप सबको बीटीएस से मिलाऊंगी। यह है बीटीएस के मेंबर्स कैसा लगा आप सबको मिलकर कैसा लगा? जनता माफ नहीं करेगी। कितना दिखे से है। तो दोस्तों मैं कैसे लग रही हूँ कोरियन के ड्रेस में, जिसे कहते हैं हानबुक। इसको कहते हैं हानबुक, जो कोरियन के कल्चर में इस ड्रेस को महिलाएं पहना जाता है, लड़कियां पहना जाता है। बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग भी यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ का खाना इंजॉय कीजिए, और यहाँ आकर इस ड्रेस को भी लगाकर ट्राई कीजिए। आप सबको कैसे लगा? तो गाइस आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। फिर से मैं आप सब से मिलूंगी दूसरे और भी एक अच्छे से अनोखे और सबसे अलग कैफे में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।